आजकल पूरी दुनिया से एक ही बात को लेकर परेशान है, चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, चार लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि वो जो दूसरे चार लोग हैं वो भी इसी बात से परेशान है कि चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, चार लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। और इन सब के चक्कर में पूरी दुनिया जो ओरिजिनल में है वो कहीं खो गई है। हर कोई वो नहीं है जो हकीकत में वो है। वो अपने आप को दिखाता कैसे है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता है, जैसा दुनिया उसे देखना चाहती है। बहुत कम लोग हैं जो हकीकत में वही हैं जो हकीकत में वो बनना चाहते हैं, या हकीकत में जैसे हैं वैसे दुनिया को दिख रहे हैं। हो सकता है मैं रेड शर्ट इसलिए पहनता हूं कि दुनिया को अच्छी लगती है, चार लोग देखते हैं तो अच्छा कहते हैं, या हो सकता है मैं ब्लैक से इसलिए नफरत करता हूं कि मैं जब भी पहनता हूं चार लोग कहते हैं ये अच्छी नहीं। पर मैं वो नहीं पहनता हूं जो मैं वाकई पहनना चाहता हूं। मैं कोई भी काम करने से पहले यही चीजें सोचता हूं, चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इस चक्कर में ओरिजिनल पर्सनालिटी कहीं गुम हो जाती है। सो भैया क्यों इन लोगों के चक्कर में पड़ना, क्यों चार लोगों के बारे में सोचना। सोचने दो उन्हें जो सोचना है, बोलने दो उन्हें जो बोलना है। ये चार लोग कभी नहीं आएंगे लाइफ में आपके, आप ढूंढते रह जाओगे पर ये चार आपको मिलेंगे। और जानते हो ये चार कब आएंगे, ये आएंगे सबसे आखिरी स्टेज में आपकी लाइफ की, आपको कान्हा देने। और एक ही शब्द बोलेंगे, वो ओरिजिनल होगा, राम नाम सत्य है। और जानते हैं आप, इन चार लोगों के चक्कर में आप सारी दुनिया की एक्सपेक्टेशन का भार अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप वो नहीं बन रहे हैं या वो नहीं दिख रहे हैं जो आप हकीकत में हैं। इस दुनिया की या ये चार लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है आपको जैसा देखने की, आप वैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मत पड़ो इस चक्कर में, वरना लाइफ ऐसी घूमेगी शक्तिमान के जैसे कि पलक झपकते पता भी नहीं चलेगा कहां गायब हो गए। सो प्लीज डोंट कॉपी, ओरिजिनल रहो भैया, बाहर से नजर आओ जैसा भीतर से हो। Then you will see the real world.